हमारे यहाँ पे जितनी भी गाड़ियाँ होती है, पहले तो जेन्युइन गाड़ियाँ होती है और यहाँ पे एक्सचेंज भी हो जाती है, डायरेक्टली सेल भी हो जाती है। डिमांड से 80,000 तो लास्ट प्राइसिंग इसकी 70,000 इसकी 70,000 80,000 इसकी भी 80,000 तो जैसे कि इस गाड़ी में सीएनजी लगी हुई है, 80,000 में आपको सेंट्रो मिल जाती है सीएनजी पासिंग। वेलकम बैक टू इन्फिनिटी कार के एक नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो उन लोगों के लिए स्पेशल होने वाला है जो थोड़ा सा हमेशा से सोचते थे कि डीलर चाहे जितना भी अच्छा हो वो आपको अच्छी चीज़ प्रोवाइड नहीं करा सकता है और थोड़ा बहुत मिसगाइडिंग कर सकता है। तो अब उन लोगों की हेजिटेशन, जितनी भी घबराहट थी दिल का जो भी था, सब खत्म हो गया क्योंकि अब आ गए हैं आपके लिए ट्रू वैल्यू पे। मारुति सुजुकी की ऑथराइज्ड होता है, यहाँ पे जितनी भी गाड़ियाँ आपको मिल जाती हैं सब वेल मेंटेन और वेल उसमें होती हैं, आपको मतलब एक भी ऊपर नीचे नहीं करा जाता है। जैसी गाड़ी आपको प्रेजेंट करी जाती है वो बिल्कुल जेन्युइन करी जाती है, जो चला होता है वो जेन्युइन चला होता है। तो आपको एक जेन्युइन प्रोडक्ट मिलता है ऑसम सी प्राइसिंग के साथ और साथ में ही अच्छी सी फैसिलिटीज़ भी एक्सप्लोर करी जाती हैं। तो आगे बढ़ते हैं, अपने बात करते हैं यहाँ के सेल एग्जीक्यूटिव से और आपको अच्छी फैसिलिटीज़ और सारी डिटेल्स बताते हैं गाड़ियों की क्या क्या मिल जाती हैं। तो अब बात कर लेते हैं अपने ट्रू वैल्यू के सेल एग्जीक्यूटिव भाई से। तो हेलो भाई, भाई अपने चाइल्डहुड फ्रेंड भी हैं तो बिल्कुल डिटेल में आपको मिलने वाली हैं गाड़ियों की डिटेल्स और बहुत ही जेन्युइन चीज़ें होने वाली हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपना नाम, प्लेस। नाम मुकेश यादव है ओके। और यहाँ पे ये रूमा पे हैं हम लोग, रूमा पे ये ट्रू वैल्यू आपको मिल जाता है। बाकी गूगल पे मेंशन है जी, बिल्कुल गूगल पे मेंशन है तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वन टैप में यहाँ तक की डायरेक्शन इजी वे में आ सकते हैं, है ना। बाकी नंबर दिया जा रहा है मेंशन, आप ले लीजिएगा, आपको ऑन द स्पॉट लाइव लोकेशन भी शेयर कर देंगे। बिल्कुल, बिल्कुल लाइव लोकेशन भी शेयर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है किसी भी प्रकार की। डिस्प्ले डिस्क्रिप्शन में भी आपको नंबर मिलेगा, डिस्प्ले पे भी आपको नंबर मिलेगा, स्क्रीन शॉट मार के भी आप नंबर ले सकते हैं। तो ट्रू वैल्यू की फ़र्स्ट ऑफ ऑल कुछ खासियत बता दीजिए और फिर उसके हमारे यहाँ पे जितनी भी गाड़ियाँ होती है, पहले तो जेन्युइन गाड़ियाँ होती है और यहाँ पे एक्सचेंज भी हो जाती है, डायरेक्टली सेल भी हो जाती है। मतलब कोई कस्टमर चाहता है कि उसे गाड़ी नहीं भी खरीदनी है, अपनी गाड़ी बेचनी है, अच्छा। ये भी हो जाता है और उसे एक्सचेंज में अच्छा वैल्यू लग जाती है, उसे पुरानी गाड़ी से भी एक्सचेंज हो जाती है और न्यू कार से भी एक्सचेंज हो जाती है। तो ये भी आपके लिए अब एक अच्छी सी मतलब एक वो भी आप कह सकते हैं कि आपके लिए एक गुड न्यूज़ भी है, आप गाड़ी भी यहाँ पे एक्सचेंज कर सकते हैं, एक्सचेंज में नया मॉडल भी ले सकते हैं और साथ में अपनी सेल आउट भी कर सकते हैं जी। पैसा भी आपको तुरंत ऑन द स्पॉट मिल जाएगा, बैंक में मिल जाएगा, कैश मिल जाएगा, कैश जैसा आप चाहें, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो यहाँ पे लेटेस्ट जो मॉडल हैं उनके बात कर लेते हैं और फिर उसी के साथ डिटेल्स डिस्क्राइब कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी स्विफ्ट डिज़ायर आ जाती है, ये स्विफ्ट डिज़ायर डिज़ायर है 2021 मॉडल की ओके। पेट्रोल वर्जन है, जनवरी की गाड़ी है, जनवरी चली है 43,000। इसमें आपको ट्रू वैल्यू की तरफ से एक साल की वारंटी और सर्विसेज जो हमारी तरफ से फ्री होती हैं वो आपको मिल जाएगी। इस पर एक साल की वारंटी और साथ में सर्विसेज फ्री मिल जाएंगी। सर्विसेज के कुछ एक दो या तीन सर्विसेज आपको फ्री मिल जाएंगी, मतलब कंपनी से तो मिलती हैं ट्रू वैल्यू भी। अब ट्रू वैल्यू के मैं एक दो चीज़ें आपको बता देता हूँ, ट्रू वैल्यू अंडरटेक के अंदर होता है मारुति सुजुकी के, तो आपको कोई हेजिटेशन वाली आज उन व्यूवर्स का, जैसे मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रो में बताया, उन व्यूवर्स के लिए सबसे ज़्यादा स्पेशल होने वाला है जो थोड़ा सा हेजिटेट करते थे कि डीलर के पास जा रहे हैं ऊपर नीचे होगा, तो अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं, आपको मारुति सुजुकी से ही हम आपकी गाड़ी प्रोवाइड करा रहे हैं, है ना, विद जेन्युइन क्वालिटीज़, है ना, सब कुछ A1 प्रोफाइल का मिलेगा, बिल्कुल A1 मिलेगा। जैसे पेट्रोल है, CNG भी इसमें भी लग सकती है, CNG हाँ, अभी जैसे ये BS6 है तो अच्छा। अभी अप्रूवल नहीं है RTO से, अच्छा, लेकिन अच्छा। जब कभी भी लगना होगा तो इस पे लग जाएगी, मतलब अगर सोच रहा है इंसान तो लगवा सकता है। तब इसका डिमांड जो
थी क्या थी? डिमांड सर इसकी है 6,80,000 रुपये। 6 लाख जैसे बाकी थोड़ा बहुत मारुति सुजुकी की तरफ से रिगार्ड्स या डिस्काउंट रखा जाता है? डिस्काउंट सर देखिए हमारा प्राइस इतना मार्जिन हम लोग ले के नहीं चलते हैं। हाँ डिस्कशन टेबल पे अगर डिस्कस करेंगे तो 2,000-5,000 की बात हो जाएगी। हंसी मजाक में थोड़ा बहुत देख लेंगे, ट्रू वैल्यू में भी आपको कोई हेजिटेशन नहीं होने वाली है, बिल्कुल अच्छे से डीलिंग करी जाती है, बिल्कुल फैमिली की तरीके है ना। तो इसी के बगल में एक आ जाती है सिलेरियो, वो अभी थोड़ी चेकिंग के लिए गई है। सिलेरियो सर हमारे पास थी 2017 मॉडल, टॉप मॉडल था ZXi, वो अभी हाल गई है सर, मतलब सर्विस चेकिंग होने के लिए। फर्स्ट ओनर गाड़ी वो भी थी, 70,000 चली हुई थी, पेट्रोल पे गाड़ी थी वो। पेट्रोल पे गाड़ी हाँ। उस गाड़ी में तो एक सेकंड में CNG लग जाती है, कोई दिक्कत हाँ, भी नहीं होती है ना। बिल्कुल। और यहाँ पे गाड़ी है तो बिल्कुल सब कुछ जेन्युइन है, गाड़ी बिल्कुल जेन्युइन है, कोई पार्ट्स बाहर का नहीं है, सर्विसेज पूरी कंपनी में हो रखी हैं। अगर आप चाहेंगे तो आपको पूरी डिटेल आपको सामने प्रेजेंट कर दी जाएगी, मतलब कोई भी आपको मिसगाइडिंग नहीं करी जाता है और A1 प्रोडक्ट यहाँ से दिलाया जाता है। तो अब बात कर लेते हैं एक और लेटेस्ट मॉडल का, फिर उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो जैसे अपने फ्रंट में भाई ये खड़ी है वैगन आर है, मारुति सुजुकी की सबसे डिमांडेबल गाड़ी है, बुकिंग पे चलती है जी। तो ये गाड़ी हमारी 2019 मॉडल की है, 2019 मॉडल फर्स्ट ओनर गाड़ी है, जेन्युइन चली है, 74,000 पेट्रोल है, VXi है, पेट्रोल में है तो फिर तो आदमी एक बार सोच सकता है। बिल्कुल सोच सकता है CNG। तो इसका लास्ट प्राइसिंग क्या था? इसका प्राइसिंग है 4,65,000। 4,65,000 में आपको वैगन आर मिल जाती है, नया मॉडल। चला कितना होगा ये? 74,000 नथिंग है। ये गाड़ियाँ जो होती है ना थोड़ी ज़्यादा रनिंग पर्पज़ पर ली जाती हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेडान पे ऊपर जाएँ या थोड़ी सी मिनी और दिखा दें? तो आ जाते हैं आपके सेंट्रो गाड़ी है। आपने बिल्कुल ही अगर लो बजट है अगर थोड़ा देखना चाहते, 2007 मॉडल की ये सेंट्रो है, 2007 भी आपको यहाँ प्रोवाइड कर जाती है, 80,000 रुपये की है, CNG इसमें आउटफिटिंग लगी हुई है। जैसे आउटफिटिंग लगी हुई तो कोई दिक्कत तो नहीं? दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चलती है। बाकी अपने यहाँ से सर्टिफाइड करके दिया जाएगा तो कहीं गाड़ी कुछ होना भी नहीं है। और बाई चांस अगर वो चाह रहा है जो कस्टमर है 80,000 दे, तो जैसे कि इस गाड़ी में CNG लगी हुई है, जो कस्टमर है वो चाह रहा है कि पासिंग मुझे चाहिए, तो यहाँ से पासिंग हो जाएगी? पास है, RTO में अप्रूव है CNG, और जो आपको तो फिर तो बढ़िया है। फिर 80,000 में आपको सेंट्रो मिल जाती है, CNG पासिंग और बिल्कुल मेन कंडीशन में गाड़ी है, कंडीशन मेंटेन है। थोड़ा बहुत जो डेंटिंग पेंटिंग काम है उसमें देख लेंगे, आपका थोड़ा डिस्काउंट हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास अभी वर्कशॉप नहीं है तो आपको बाहर ही काम कराना पड़ेगा। ओके, तो अगर आपको थोड़ा बहुत अगर गाड़ी मेन कंडीशन में, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मारुति सुजुकी के ट्रू वैल्यू में गाड़ी खड़ी हुई है, तो आपको इंजन प्रोफाइल से कोई बात नहीं करनी है। माइनस डेंटिंग पेंटिंग का शॉप जो होता था अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं हो पा रहा वर्कर की वजह से, उसका आपको कंसेशन मिल जाएगा, जो कि आप बाहर करा सकते हैं अपना सस्ते में भी अपने प्यारे भाइयों के साथ, और अच्छी सी डील कवर कर सकते हैं। तो 80,000 के अंदर ही अंदर आपको सेंट्रो मिल जाती है, CNG फिटेड है ना जी। तो अब बात कर लेते हैं एक और मिल जाती है, एक और सेंट्रो है, ये 2008 मॉडल सेंट्रो है, 2008 ये भी है, 80,000 की ये भी है, सेकंड ओनर गाड़ी है, और समथिंग 1,00,000 की चली हुई है। अच्छा ठीक है, बाकी ये पेट्रोल पे गाड़ी है, ये पेट्रोल, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, इंजन से बिल्कुल फ्रेश गाड़ी है। आपको थोड़ा बहुत जो काम मिलेगा सिर्फ बॉडी लाइन पे काम मिलेगा, तो सिर्फ बॉडी लाइन पे मिलेगा, उसका कंसेशन हम लोग देते हैं, तो कस्टमर ऑटोमेटिक खुश जी है ना। तो आपको अगर चलाने या नॉर्मल यूज़ के लिए चाहिए गाड़ी, तो आपको 80,000 में मारुति सुजुकी से ट्रू वैल्यू से मिल जाती है गाड़ी, पेट्रोल में सेंट्रो 2008, और मात्र डिमांड क्या है इसकी? 80,000 इसकी भी 80,000 है, तो थोड़ा सा बाकी कंसेशन में देख ही लेंगे। तो अब बात कर लेते हैं छोटी सी और मिनीज की, जो मैक्सिमम डिमांड में रहती हैं है ना। तो अब बात कर लेते हैं मिनीज में ये भी पुराने मॉडल में सबसे ज़्यादा डिमांडेबल गाड़ी है। ये वैगन आर 2016 मॉडल है, इसमें भी CNG आउटफिटिंग है और RTO अप्रूव है। ओके, और इसकी जो डिमांडिंग प्राइस है 3,45,000 रुपये है, 3,45,000 रुपये है गाड़ी, ये भी रनिंग कंडीशन रनिंग में है इसका, समथिंग 1,00,000 तक है, 1,00,000 का है। ओके, बाकी और गाड़ी में कोई काम नहीं, गाड़ी जेन्युइन है, आप कहीं भी चेक करा सकते हैं। अगर आपको लगता है गाड़ी में कोई काम है तो अपना मैकेनिक को किसी को भी लेकर गाड़ी आराम से चेक कराइए, जब आप संतुष्ट हो जाएंगे तब हमारे यहाँ से गाड़ी ले जाएंगे। तो बस यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा फैमिली वाला फील आ जाता है, आप संतुष्ट होंगे तब आपको गाड़ी ले सकते हैं। और संतुष्ट होने के लिए एक आपकी आई बटन में एक वो आ जाता है आपको चेकिंग करने के लिए, सेकेंड हैंड गाड़ी को चेक करने से पहले आपको क्या क्या चेक करना होता है उसका आपको एक छोटा सा वीडियो आ जाता है, उससे चेकिंग करके नॉर्मल सी मस्त सी गाड़ी आप प्रोवाइड यहाँ से हो जाएगी चेकिंग करके। बाकी आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दोनों में दे देता हूँ। अब बात कर लेते हैं एक ऑल्टो की भाई,
तो ऑल्टो वाले भी अब यहाँ पे कवर कर दिए जाते हैं आपको। ये ऑल्टो सर 2008 मॉडल गाड़ी है, पेट्रोल पे है, एलेक्स मॉडल है ये। अच्छा, और ये चली है ऐसे ही समथिंग 90 to 95,000 के अराउंड। सेकंड ओनर गाड़ी है, फ्रेश है, गाड़ी में कोई काम नहीं है, इंजन से बिल्कुल अच्छी गाड़ी है, इंजन से बिल्कुल अच्छी है, 92 चली हुई है। और बाकी डिमांड क्या रखी गई? डिमांड सर 80,000 में आपको मिल जाती है 2008 मॉडल, बिल्कुल अच्छी कंडीशन में, है ना। इसमें एलेक्स आई है तो क्या क्या मिल जाता है? पावर विंडो विंडो है? पावर विंडो तो नहीं है, वो मैनुअल है सारा, बाकी अच्छा। इसमें स्टीयरिंग है, पावर स्टीयरिंग है, तो आपको स्टीयरिंग में थोड़ा सा फील आ जाएगा, चलाने में ट्रक वाला फीलिंग नहीं आने वाला है ना। तो आप बात करते हैं, एक और सेंट्रो आपको मिल जाती है, सेंट्रो लवर का यहाँ पे अच्छे से ध्यान रखा गया है। ये सेंट्रो 2004 मॉडल है। अच्छा, हालांकि चार मॉडल के हिसाब से आरआर इसका दोबारा हो चुका है, तो अभी 2024 तक ये वैलिड है गाड़ी। बस बढ़िया, सेकंड ओनर गाड़ी है। अच्छा, बिल्कुल अच्छी है, इंजन से कोई काम नहीं है गाड़ी में, बहुत अच्छी गाड़ी चलती है, 1 लाख समथिंग गाड़ी चली हुई है, सेकंड ओनर है। ओके, सेकंड ओनर है। डिमांड क्या रखी गई है? डिमांड इसकी 70,000 रुपये। 70,000 रुपये डिमांड रखी गई है, बाकी ऑन टेबल छोटा मोटा रिकॉर्ड है ना। और बाकी आपको कंसेशन अच्छा अपनी तरफ से प्रोवाइड कराने की कोशिश रहेगी कि अच्छा दिलाएं। बाकी इन्फिनिटी का एक बार नाम ले लीजिएगा तो आराम से थोड़ा बहुत और भी अच्छा मिल सकता है। रिट्स भी यहाँ पे कवर करी जाती है, तो रिट्स का बता दें थोड़ा सा। ये 2013 मॉडल रिट्स है। ओके, ये डीजल पे है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, ऐसी 80,000 के अराउंड चली हुई गाड़ी है। 80,000 के अराउंड चली हुई है, तो फ्रेश गाड़ी है, बस थोड़ा बहुत काम इसमें बॉडी लाइन पर है, बाकी गाड़ी अच्छी है कंडीशन में, बाकी यहाँ खड़ी है तो इसलिए थोड़ा सा डट्स हैं, बाकी नॉर्मल मेंट कंडीशन में है ना। आए आदमी, अगर कस्टमर आ रहा है तो अपना चलाए दौड़ाए, फिर उसके बाद सेटिस्फाई होकर लेके जाए। तो डिमांड भाई? डिमांड है इसकी 2,35,000 रुपये। 2,35,000 रुपये है, बाकी और छोटा मोटा ऑन देख लिया जाएगा। 2013 आपको रिट्स मिल जाती है 2,35,000 रुपये। बाकी अब बात कर लेते हैं वैगन आर, उनके लिए जो सिर्फ सीखने के पर्पज़ से आते हैं, है ना, सीखने के पर्पज़ से या कुछ बिजनेस के पर्पज़ से, इसमें सामान लदाएं और दौड़ाएं। जी, तो आप बताएं। ये वैगन आर में भी 2006 या 2007 मॉडल है, इलाहाबाद नंबर है, बट आरटीओ रजिस्टर्ड है कानपुर का। बस सेकंड ओनर गाड़ी है, ऐसी 80,000 to 90,000 करीब चली हुई, पेट्रोल है, VXI पेट्रोल है, VXI है। इसकी डिमांड क्या रखी? डिमांड तो लास्ट प्राइसिंग इसकी 70,000 है, बाकी ऑन टेबल डिमांड कट लिया जाएगा, प्यार मोहब्बत आपको ट्रू वैल्यू में भी मिल जाएगी अच्छी तरीके से। बाकी गाइडेंस में भाई अपना रहेगा तो बिल्कुल अच्छे से रखेगा अपने इन्फिनिटी कार व्यूवर्स को, बिल्कुल नाराज नहीं होने देना पड़े भाई, बिल्कुल नहीं होने दूंगा। तो आप बता देते हैं, एक और आपको मिल जाती है ऑल्टो। ऑल्टो ये 2009 है, ये LXI है और चली हुई है ये 90,000 के आसपास। इसका जो प्राइसिंग रखा है 1,20,000 रुपये। 1,20,000 रुपये फर्स्ट ओनर गाड़ी। फर्स्ट ओनर गाड़ी आपको मिल जाती है ऑल्टो, छोटे में आपको 1,20,000 के अंदर, रनिंग अप्रॉक्स यही 80,000 to 90,000 के इसी के लमसम होगी, और जेन्युइन होगा जो होगा, जेन्युइन होगा। और सबसे बड़ी बात, यहाँ की जो सर्विस है वो बहुत अच्छी मिल जाती है, तीन सर्विस फ्री मिल जाती है। मतलब गाड़ी लेने के बाद तो आपको मिलती है, यहाँ से लेने के बाद भी मिलती है, है ना। तो अब बात कर लेते हैं उनके लिए जो थोड़ी नई ऑल्टो के बारे में भी सोच लेते हैं। तो अब बात, 2017 मॉडल ऑल्टो K10 है, 2019 पे रजिस्टर्ड है और ये चली हुई है 55,000 के आसपास, और फर्स्ट ओनर गाड़ी है। इसका जो प्राइसिंग रखा है 2,30,000 रुपये। 2,30,000 रुपये रखा है, बाकी छोटा मोटा रिगार्ड्स रखा जाएगा। इसमें कुछ लगा हुआ है? पेट्रोल है, पेट्रोल पे है, पेट्रोल पे लगवा सकते हैं, लगवा इन गाड़ी में तो ऑसम वाली लगवा सकते हैं, कभी भी CNG इसमें लगा सकते हैं और इसमें पास भी हो जाएगी, पास भी हो जाएगी। तो अगर आप सोच रहे होंगे कि यहाँ से पास आ सकेगी कोई दिक्कत है, तो पास आस की कोई दिक्कत नहीं है, सारा प्रोसेस सिर्फ आपका गाड़ी लेने का है, बाकी सारा प्रोसेस ट्रू वैल्यू हैंडल करती है ना। अगर आप CNG लगाएंगे तो वो आपको बाहर ही से लगाना, बाहर से लगाएंगे, रिकमेंड कर देंगे, रिकमेंड आपको कर दिया जाएगा कि कहाँ से लगवा लें और बेस्ट तरीके से मिल जाती है। तो आप बात कर लेते हैं थोड़ी सी सेडान कार की, है ना, थोड़ा सा लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं डिज़ायर को, थोड़ी कम्फर्टेबल भी होती हैं और साथ में डिग्गी भी मिल जाती है। ये 2013 मॉडल है, डीजल गाड़ी है, JTI है टॉप मॉडल। अच्छा, चली हुई है ये 1.5 लाख के आसपास, और इसका जो प्राइसिंग है 3,50,000 रुपये, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, टॉप मॉडल है, टॉप मॉडल, सारे फीचर्स इसमें लोडेड मिलते हैं, कंपनी फीचर, कंपनी से बताइए। इन गाड़ियों में भैया सर्विसेज मिल जाएंगी? इन गाड़ियों पे सर्विसेज, एक्चुअली ये हमारे जो सर्विसेज है और वारंटी पीरियड होता है ये 7-7 साल के जो इधर गाड़ियाँ आती हैं, अच्छा, उनमें होता है, तो ये तो वैसे भी 2013 है, 2013 है, अच्छा ठीक है। बाकी तो 2015 इसमें कोई काम नहीं है गाड़ी, काम नहीं है, बाकी सर्विस अगर कराना चाहें ट्रू वैल्यू से हो जाएगी, हो जाएगी, एक बार आपको इसमें होके मिलती है, जब आप गाड़ी जैसे कोई कस्टमर ले जाता है तो हम इसको चेक करके सर्विस करके पूरी देते हैं। तो आपको एक फैसिलिटीज़ और यहाँ से अच्छी मिल जाती है कि जैसे आप डीलरशिप पे जाते थे और सेकेंड हैंड गाड़ियाँ लेते थे तो आपको एक लगता था कि
सेकेंड हैंड गाड़ी ली है तो एक बार सर्विस करा लें। तो यहाँ से आपको जब गाड़ी दी जाती है फुल मेंटेन और सर्विस के साथ दी जाती है, तो सारे फीचर्स आपको नए वाला फीलिंग जो अब आने वाला था ना वो अब आ गया है, और आपको एक हेजिटेशन जो थी वो रिमूव हो गई है अच्छी तरीके से। अब बात कर लेते हैं, और भी दो चार डिज़ायर अपने पास खड़ी हैं। ये डिज़ायर 2017 मॉडल है, ओके, डीजल में है, VDI है। अच्छा, चली हुई है 75,000 और फर्स्ट ओनर गाड़ी है। फर्स्ट ओनर गाड़ी है। इसकी जो प्राइसिंग है वो 5.5 लाख। 5.5 लाख रुपये, 5.5 लाख में आपको डिज़ायर मिल जाती है, फर्स्ट ओनर गाड़ी। 2017। तो इसमें आपको वारंटी वाला सिस्टम मिलता है। तो फील आ रहा है अब, तो आप एक और फील ले आते हैं थोड़ा सा, पर इसमें हो सकता है ना मिले, है ना? इसमें नहीं, ये 2014 मॉडल है, डीजल, ये भी है, VDI, फर्स्ट ओनर गाड़ी है और लमसम 66,000 से 70,000 के आसपास चली हुई है। अच्छा, अप्रॉक्स में। अप्रॉक्स बाकी यहाँ से जब मिलेगी तो आपको सर्विस करके मिलेगी तो वो फील आ जाएगा आपको, है ना? बाकी नेगोशिएशन थोड़ा बहुत रखा जाएगा। एक और गोल्डन टाइप की है अपने पास। जी, ये 2009 मॉडल है, VDI ये भी है और डीजल है गाड़ी, सेकंड ओनर गाड़ी है और लगभग 1 लाख के आसपास चली हुई है। 1 लाख के आसपास। उसकी डिमांड भाई? डिमांड है 1,90,000। 1,90,000 में आपको सिर्फ डिज़ायर जैसा ब्रांड मिल जाता है ना? जी। तो मात्र एक तरह उसमें भी नेगोशिएशन रखा जाएगा कि वो फिक्स होगा, क्योंकि थोड़ा सस्ता मिल जाता है। करेंगे आके तो आपका जो भी हो जाएगा अप्रूवल लेके। अच्छा, तो कोशिश रहेगी कि आपको सस्ती से सस्ती गाड़ी और अच्छी से अच्छी गाड़ी प्रोवाइड करी जाए। तो अब बात कर लेते हैं, ओमनी भी आपको मिल जाती है और साथ में एक और वैगन आर। इस वैगन आर का थोड़ा सा डिटेलिंग। इस वैगन आर ये 2013 मॉडल है, CNG आउटफिटिंग है, RTO अप्रूव है। अच्छा, 90,000 चली हुई गाड़ी है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है। इसकी जो प्राइसिंग है वो रखी है हम लोगों ने 2,35,000 रुपये। 2,35,000 में आपको 2013 मॉडल मिल जाता है, CNG फिटेड अप्रूव, है ना? अप्रूव मिल जाती है, तो मस्त कंडीशन में आपको मिलेगा। आइए चेक करिए और दौड़ा के देखिए, फिर उसके बाद अपनी मस्त सी गाड़ी लेके जाइए, है ना? बाकी अब बात कर लेते हैं अपनी, जैसे कि बताया कि सबसे पावरफुल और अच्छी मानी जाती है, रनिंग बेसिस पे बहुत अच्छी गाड़ी है, तो आप इसका बता दें। ओमनी 2015 मॉडल है, इसमें RTO से अप्रूव है, CNG लगी हुई है इसमें भी, बढ़िया, और चली हुई है, 90,000 है, सेकंड ओनर गाड़ी है। इसकी जो प्राइसिंग है 1,65,000 रुपये। 1,65,000 में आपको ओमनी ऐसा ब्रांड मिल जाता है। कितने का होगा वो, ईयर कौन सा है? ईयर है इसका 2015। 2015 है। इस ये बिल्कुल मिड लाइन पे खड़ी हुई है, इसमें कुछ वारंटी भाई? इसमें वारंटी नहीं, क्योंकि एक्चुअली जिन गाड़ियों में CNG बाहर से लगती है। अच्छा, वारंटी अच्छा। लैप्स हो जाती है। हाँ, ये चीज़ एक होती है कंपनी से, जिस थोड़ा सा कुछ चीज़ें जो होती हैं अगर लग जाती हैं तो उसके बाद वारंटी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वो थोड़ी सी गाड़ी में। पर आप चिंता मत करिए, जो CNG लगी है वो अच्छी क्वालिटी की लगी है और बेस्ट चीज़ मिल जाती है आपको। अब बात कर लेते हैं, एक और आपकी ओमनी मिल जाती है, थोड़ी सी एडवांस लेवल है जी, 2011 मॉडल है। अच्छा। इसमें LPG लगी हुई है। LPG लगी हुई है। हाँ, और फर्स्ट ओनर गाड़ी है, 1,20,000 रुपये की। 1,20,000 में आपको LPG मिल जाती है। कानपुर में तो LPG एक नंबर प्रोवाइड करी जाती है, अपना यहाँ पे पंप भी मिल जाता है, तो मात्र 1,20,000 में आपको 2011 मॉडल। इसकी कंडीशन थोड़ी सी और भी अच्छी है ना, तो आपको मिल जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें, और आज का कलेक्शन कैसा लगा वो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जिससे कि मैं मोटिवेट हो जाता हूँ और आपके लिए एक नए डील प्रिपेयर करता हूँ विद अच्छी फैसिलिटीज़ के साथ और अच्छे डिस्काउंट के साथ। तो बाकी अपने चैनल पे बने रहिएगा, क्योंकि मैं रिव्यू और नई गाड़ियों के रिलेटेड नॉलेज और टेक्निकल फैक्ट आपके लिए लाता रहता हूँ, जिससे कि आपको गाड़ी की किसी भी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन आपके पास अपडेट होती रहती है रेगुलरली। बाकी अपने इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिएगा, सबसे पहले मैं वहाँ पर अपडेट होता हूँ, उसके बाद यहाँ पर आपके लिए अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ और लाता रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग इन्फिनिटी कार रिव्यू।